नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में एक कलयुगी बेटे ने 50 वर्ष बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में MY अस्पताल में भर्ती करा गया। वहां बेटा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के दशहरा मैदान के पास में रहने वाली बुजुर्ग 50 वर्षीय शांति बाई को कलयुगी बेटे रमेश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। जहां घटना के बाद परिजन घायल महिला को गंभीर अवस्था में MY अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बेटा नशा करने के लिए पैसों की मांग कर रहा था, जहां बुजुर्ग मां के मना करने पर बेटे रमेश ने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी बेटी की तलाश शुरू कर दी है। दशहरा मैदान में अनपुर झोपड़पट्टी की रहने वाली महिला शांतिबाई पति कन्हैयालाल उम्र 50 साल के आसपास है, झुग्गी बस्ती में रहती है, जिसको उसके बेटे द्वारा चाकू मारकर घायल किया गया है। उपचार के लिए MY अस्पताल लेकर आए हैं। क्या कुछ कारण आया, क्यों मारा है? अब ये उसके बयान देने योग्य नहीं है महिला, और देश में है जैसे कुछ बात सामने आती है। महिला भी इनको अच्छे से ना चल रहा है। बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम रमेश है। क्या करता है? मजदूरी करता है। अभी और उसकी जांच पड़ताल चल रही है। आपका परिचय? देवेंद्र मिश्रा, उपनिरीक्षक खान। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट